ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासम् ततो जयमुदीरयेत् नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी अब आप लोग अपने आप को म्यूट कर दीजिए। सब लोग हम एक साथ चुके करेंगे तो आप लोग अपना अपना पढ़िएगा। ओम अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञान जन शलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। आज के दिन से हमारा बहुत महत्वपूर्ण दिन शुरू होने वाले हैं क्योंकि हम स्वयं श्रीमद् भागवतम को पढ़ने वाले हैं और इसको ये एक बहुत महान ग्रंथ है। इसके विषय में आज से जब हम पढ़ना शुरू करेंगे तो पता चलेगा। तो इसको पढ़ने के कुछ नियम है, यानी अब ये चूंकि छोटा मोटा कोर्स नहीं है। भगवद्गीता में केवल 700 श्लोक थे और जो है ब्रह्म संहिता में मात्र 64-65 श्लोक थे। तो भागवतम में कितने श्लोक हैं? भागवतम में 18,000 श्लोक है। अब 18,000 श्लोक दिमाग में जाने हैं तो ऐसे तो जाएगा नहीं, यानी क्या होगा 18,000 श्लोक भी कितने तत्व तो हैं, है ना। तो उनको समझते समझते हमारे पास अगर हम इसको समझ गए तो फिर जो है हमारे पास समझने के लिए इसके पास समझने के लिए कुछ है ही नहीं, बचेगा ही नहीं। ये अभी आप पहले दूसरे श्लोक में देख लेंगे। लेकिन उस श्लोक की स्टार्ट करने के पहले मैं आपको इसके कुछ नियम बता देता हूँ कि भागवतम पढ़ने के कुछ क्या एक्स्ट्रा नियम है। उसके लिए मैंने क्या किया है, मैं आपको एक पहले स्क्रीन शेयर करता हूँ। मैं स्क्रीन अपनी शेयर करूंगा आप लोगों को। स्क्रीन दिखने लगे सब लोग तो बताइएगा मुझे।
स्क्रीन दिख रही मेरी? अब अभी देखिए स्क्रीन, ठीक है। अब स्क्रीन अगर दिख गई है तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए मैंने क्या किया आप लोगों की सुविधा के लिए, ये भागवतम, जो भागवतम कथा है ना, भागवतम की एक मैंने नया ड्राइव बनाया, भागवतम कथा नाम से बनाया है। और ये भागवतम कथा है, इसके अंदर ग्रंथ नाम से एक फोल्डर बनाया है। इस ग्रंथ के अंदर मैंने आप लोगों के लिए सारे जो है जितने भी ग्रंथ, जितने भी कैंटो हैं, 12 कैंटो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, देखिए पूरी बुक आपके लिए छड़ रख दी यहाँ पर, ठीक है। अब पूरी बुक आपको यहाँ पर अवेलेबल है। और दूसरी बात है, उस ग्रुप बुक में हम ओपन करके आप लोग सब लोग इसको, तो इसका जो है लिंक जो है गेट शेयरेबल लिंक, और मैं इसको ग्रुप में डाल रहा हूँ। एनी वन विद द लिंक, तो जो है सभी लोग इसको देख सकते हैं। मैंने सबको व्यू का दे दिया है ना, मैंने अभी आपको व्यू दिया था कि आराम से आप लोग व्यू कर लें और डाउनलोड कर सकते हैं। अगर डाउनलोड कर सकते हैं बताइएगा, नहीं कर सकते हो तो मैं आपको एडिटिंग लिंक दे दूंगा। मैं चाहता नहीं यहाँ से कोई रिमूव कर दे इसको, तो जो है क्योंकि सब मेहनत से डाले गए चीज़ें, तो मैं आपको इसको जो है मैसेज में डाल देता हूँ। मैसेज 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 कहाँ मिलेगा, ये है ना। तो ये देखिए, ये मैंने लिंक डाल दिया। अब आपके पास क्या हो गया, इस ड्राइव, अब ये बहुत महत्वपूर्ण ड्राइव हो गई आपके लिए, ठीक है। क्योंकि जो आपको मिला है इसमें भागवतम कथा का सारा मिलेगा, इसमें सारी यहाँ पे रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी। अब मैं जो आज से जो भी कथा करूंगा, जो भी कथा करूंगा वो कथा की रिकॉर्डिंग भी आपको जो है मिलेगी। डन। तो जो है अब इधर मैं डालूंगा कथा, रिकॉर्डिंग, ये कथा रिकॉर्डिंग हो गई। इस कथा रिकॉर्डिंग में जो है आज से जो कथाएं होंगी उस सबकी रिकॉर्डिंग यहाँ मिलेगी आपको, वॉइस रिकॉर्डिंग मिलेगी। और इसके, और ये है कृष्णा प्रेम गंगा। अब मैंने इतनी एक शीट बनाई है जिसमें आप देखेंगे, एक है कृष्णा प्रेम गंगा भक्ति विशा भागवतम क्लास अटेंडेंस शीट। ये बहुत महत्वपूर्ण शीट है। इसमें क्या है, इस शीट को आप लोग देखिएगा क्या ये शीट में आप लोग एडिट कर पा रहे कि नहीं, क्योंकि इस शीट को एडिट करना जरूरी है। इस पर मैं अलग से कर सकता हूँ क्या शेयर, मतलब राइट क्लिक गेट शेयरेबल लिंक, इसका शेयरेबल लिंक अलग से लिख और एडिटर कर देता हूँ उसको, एडिटर एनीवेयर द लिंक कैन एडिट दिस, है ना। सो मैं कॉपी करता हूँ और ये अटेंडेंस शीट है। इस क्योंकि 18,000 श्लोक पढ़ते हैं, थोड़े मोटे श्लोक नहीं पढ़ते हैं ना, तो अब हम लोगों को ये जानना जरूरी है कि किस श्लोक में कौन सा व्यक्ति आया था। कोई प्रश्न अगर पूछता है तो हम पहले देखेंगे कि आप उस कथा का, उस दिन का वो कथा सुने ही कि नहीं सुने, क्योंकि रिकॉर्डिंग रहेगी। मान लीजिए किसी कारणवश आप नहीं सुन पाए तो आपका पास रिकॉर्डिंग है, तो आपको रिकॉर्डिंग सुनना होगा ताकि आपको कथा समझ में आए। प्रश्न पूछने के पहले रिकॉर्डिंग सुनना होगा, है ना। तो रिकॉर्डिंग सुनकर के आइए, उसके बाद अगर कोई प्रश्न है तो जो है ये इस शीट तो आपका जो है चेक करके फिर प्रश्न पूछेंगे। और ये शीट क्या है, ये शीट डायरेक्टली टेम्पल को शेयर होगी, मंदिर में शेयर होगी वाली शीट, ओके। तो जिसकी अटेंडेंस सबसे ज्यादा होगी ऑब्वियसली उसको जो है इसका महत्वपूर्ण वो मिलेगा, क्या कहते हैं, जो मंदिर से उसको इसके, देखिए जब हम लोग कथा करते हैं ना किसी भक्ति विषय पूरा पूरा, तो इसके अलग से सर्टिफिकेट्स होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमें पूर्ण ज्ञान मिलेगा। तो ये है, तो इस शीट में अगर हम देखें जाकर के, तो अब आपको क्या दिख रहा है कि नेम, तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं लिखता हूँ ओमकारेश्वर। मैंने मान लीजिए आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि अटेंडेंस के लिए आज की डेट, कोई कोई प्रश्न है क्या, किसी ने अनम्यूट किया अपने आप को? जोगेश प्रभु आप देखिए, अगर अनम्यूट म्यूट धोखे से कोई अनम्यूट करके बैठ गया तो आप म्यूट कर दीजिएगा। तो ये इसके 5 5 जून है ना, 5 जून है आज की कथा जो हम लोग कर रहे हैं। प्रेजेंट थे, प्रेजेंट थे। वेज खाते हैं कि नॉन वेज? वेज। एक सेकेंड, इसमें उसी का ऊपर वाले कॉपी हो गया। राउंड्स 16, अनियन गार्लिक नो नो है ना, टी नो, इंटॉक्सिकेशन नो है ना। और जो है इसमें फिर आएगा, इसमें एक चीज में डाल रहा था तभी 928 हो गया, आप लोग बना रहा था कि
इसमें हमको डालना है, अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो क्वेश्चन आस्क, यानी क्या क्वेश्चन पूछा गया वो क्वेश्चन यहाँ मेंशन होगा, है ना, वो क्वेश्चन हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। जो भी आप लोग प्रभु जी लोग जो भी उससे प्रश्न रिलेटेड प्रश्न पूछेंगे, कोई भी प्रश्न, वो प्रश्न यहाँ मेंशन होंगे, सारे प्रश्न, उसके उत्तर नहीं मेंशन होंगे, केवल प्रश्न यहाँ पे हम लिखेंगे, यानी सारे प्रश्नों को लिखेंगे यहाँ पर कि क्या प्रश्न था, उसको हिंदी में लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, है ना, जैसा भी इंग्लिश वाला हिंदी में, तो जिसमें जो है तो अब आया प्रश्न यहाँ लिख दिया। मेनली हमें उसको देखना कि इस 18,000 क्वेश्चंस के पीछे कितने प्रश्न पूछे गए, और जो प्रश्न आया तो उसके पीछे किसका प्रश्न था उसका नाम आएगा। जैसे मान लीजिए अजय प्रभु ने मान लीजिए क्वेश्चन पूछा, तो अजय प्रभु का क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन होगा, है ना, कुछ भी ऐसे करके हमारा प्रश्न मेंशन होगा। तो आप लोग अपने प्रश्न भी देखिएगा, वो प्रश्न यहाँ पे आएंगे तो किसने कितने प्रश्न पूछे वो इसमें रहेगा, है ना, और उस दिन क्या पढ़ाया गया, यानी कंटेंट, है ना, यानी कंटेंट क्या था, तो कंटेंट के बाद आना चाहिए ये क्वेश्चन। तो जो है इसको हमारे कंटेंट के बाद इसको डिलीट कर देते हैं, डिलीट करो, तो ये आ गया कंटेंट, यानी हम लिखेंगे इसमें कि कौन सा श्लोक, जैसे मान लीजिए भागवतम का आज मान लो पहला श्लोक होता है, तो इस तो भागवतम का फर्स्ट श्लोक, फर्स्ट कैंटो या फर्स्ट टू फाइव श्लोक करके हम इसे कंटेंट लिख देंगे, ताकि पता रहेगा इस दिन कथा कौन सी हुई थी, है ना। तो अब हमें क्या पता चल गया, यानी अब इसमें पता चल गया कि अटेंडेंस कौन कौन सी थी, उन्होंने ये मतलब इस नाम ने, तो मुझे कल को देखना पड़े कि मैं फिल्टर लगा दूंगा कि ओमकारेश्वर ने कितने कितने कंटेंट पढ़े, है ना, तो मुझे यहाँ मिल जाएगी इन्होंने ये श्लोक पढ़ा है, राइट, इसलिए हर नाम के आगे कंटेंट दिखाया जाएगा, सबके नाम के आगे। प्रभु जी, हाँ बोलिए प्रभु। प्रभु जी, हाँ प्रभु, आवाज नहीं आ रही क्या? प्रभु जी आवाज नहीं आ रही क्या? आप म्यूट है प्रभु जी। ओ मैं ही म्यूट हो जाता हूँ। अभी आवाज आ रही है? तो मैं बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा था, ये जो टेबल आपने बनाई है ना, हाँ वो अलग अलग दो टेबल बनी थी मेरे हिसाब से, एक तो अटेंडेंस वाली टेबल जिसमें आपने अपना नाम लिया ओंकारेश्वर, हाँ, और उसके बाद क्वेश्चन आस्क कंटेंट जो है वो अलग टेबल में बना सकते हैं। हाँ ब्रो, मेरा क्या पॉइंट था, जैसे मान लीजिए ओमकार आज की तारीख, जैसे मैं डेट देखा 5-5-5 पूरा सबका डेट जानबूझ के हम लिख रहे हैं ऐसे, है ना, तो मान लीजिए कल को मुझे नाम में फिल्टर लगाना पड़ा, तो मैं देखूंगा ओमकारेश्वर ने कौन कौन से कंटेंट किए हैं, इमीडिएटली यहाँ फिल्टर हो गया जाएगा, ठीक है ना, तो बस एक बार नाम सेलेक्ट करूंगा कौन कौन से डेट में अटेंडेंस थे, प्रेजेंट थे कि नहीं थे, है ना, कि उस दिन क्या खाया था क्या नहीं खाया था, आज कितने अगर अनियन का नहीं खाया तो नहीं, चाय नहीं पिया तो नहीं पिया तो यस, है ना, तो जो है सिगरेट पी ली तो नो, है ना, तो मुझे पता चल जाएगा हर दिन का हिसाब यहाँ क्लियर होगा, है ना, और जो उस दिन जब जब एक ही कंटेंट में जैसे अजय प्रभु ने क्वेश्चन पूछा, मैं भी पूछ सकता हूँ, हाँ, तो सब इसी का इंटर इसमें होता रहेगा ना, वो इसी की सेल में, हाँ इसी सेल में हम क्या करेंगे, ऑल टेंडर करेंगे, मान लीजिए पुनीति माता जी ने पूछा, तो जो ऐसे करके, हाँ तो हम उस दिन फिर होगा जिस दिन ओमकारेश्वर ने अटेंड किया था, उस दिन इन्होंने क्या क्या क्वेश्चन पूछे थे, यानी क्वेश्चन किसने पूछे थे, है ना, वो सारे क्वेश्चन भी आ जाएंगे, यानी इस कंटेंट में ये क्वेश्चन पूछे गए थे, तो अब अच्छा क्या रहेगा, रिकॉर्डिंग अपने पास में है ना, हाँ तो पूरा इसमें क्लैरिटी रहेगी, तो जो अब हमें सब पता रहेगा, एक एक चीज क्लियर रहेगा कौन क्या, तो अब अगर मान लीजिए कोई पीछे का प्रश्न पूछता है तो उससे पूछा जाएगा, उसका देखा जाएगा आप उस दिन थे कि नहीं थे, अगर थे तो जो है आपने वो नहीं थे तो रिकॉर्डिंग सुन लीजिए, अगर थे तो उस दिन ये प्रश्न पूछा गया था कि नहीं गया था, अगर उस दिन नहीं पूछा गया था तो इसका मतलब है कि जो है हम उस क्वेश्चन को इसमें ऐड कर देंगे कि आज के दिन अलग क्वेश्चन उसके रेफरेंस में पूछा गया, है ना, तो मतलब मैं इस बार चाहता हूँ 18,000 श्लोक का सिलेबस बहुत बड़ा सिलेबस है, इसको जब तक हम सिस्टमेटिक वे पे नहीं लेंगे ना हमें समझ नहीं आएगा, हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे। अब एक और इम्पोर्टेंट काम इसमें करना है सबको कि अब आप जानते हैं मनुष्य का दिमाग बहुत ही वो होता है छोटा, है ना, तो तुरंत इसमें खोल सकता है, तो अभी आएगा होमवर्क, अब ये सबसे डरावना सीन है। होमवर्क सबसे डरावना है, होमवर्क में कुछ नहीं करना, चिंता ना करिए, केवल जैसे एक दिन मान ली मैंने 2 श्लोक 5 श्लोक 10 श्लोक से ज्यादा नहीं हो सकते, 10 श्लोक हो गए, मान ली कोई छोटे छोटे श्लोक हुए तो 20 भी हो सकते हैं एक दिन में, तो जो है क्या है उसमें एक पेज लेना है, पेन पेज लेना है आपको, और उसमें क्या करना है, तो मैं अलग अलग फोल्डर बनाऊंगा सबका,
जैसे जुगेश प्रभु और जो है हमने बना दिया जुगेश प्रभु, इधर हमने बना दिया तो आप सब लोग बनाएंगे इधर मैं, और जो है पुनीति माता जी है ना, तो हमने ऐसे जो है करके बना दिया, स्पेलिंग हो सकता है मैंने गलत दे दिया नहीं थी, तो जो है ऐसे करके मैं सबका फोल्डर बना दूंगा, जितने भी आप लोगों का अटेंडेंस में देखूंगा ना उनके नाम का एक फोल्डर बना दूंगा। तो वो जो है तो आप अटेंडेंस शीट आप लोग फिल करेंगे ये इसमें, और इसका भी मैं आपको क्या दे रहा हूँ, एक्सेस दे रहा हूँ पूरा एडिटिंग का, यानी आप लोग खुद अपना फोल्डर बना लेंगे। गेट्स लिंक, ये होमवर्क वाला है एडिटर, तो जो है इसको मैं, क्योंकि सभी लोग कंप्यूटर यूज करना जानते हैं इसलिए मैं दे रहा हूँ, किसी का इसमें प्रश्न हो तो वो पूछ लीजिएगा, क्योंकि आज हम जितने अच्छे ढंग से इसको जो है करेंगे ना कल उतना ही अच्छा हमें मिलेगा। हम चाहते हैं एक बार भागवतम जब हम खत्म करें ना तो आप सबको भागवतम पूरी आती हो, मतलब आप तुरंत रेफरेंस बताए वहां पर, देखिए वो था उस दिन हमने ये पढ़ा था, उस दिन हमने ये किया था। अभी होमवर्क है ये, आप लोग एडिट कर सकते हैं इसमें जाकर के अपना होमवर्क। तो उसमें क्या करना, होमवर्क का मतलब क्या हुआ, आपको कुछ नहीं करना, जो आज समझे हैं एक पेज लीजिए, चाहे उसका स्ट्रक्चर जैसे मान लीजिए ब्रह्मा जी के ये पुत्र थे उसका ट्री बना दीजिए, पूरा ट्री बना करके अपने पेज में बनाया और उससे फोटो खींची और अपलोड कर दिया, है ना, बस यही करना है। मतलब बहुत ज्यादा लिखना नहीं है कि होमवर्क मैंने कोई स्ट्रक्चर दे दिया, मतलब होमवर्क केवल इतना है जो आपको समझ में आज आया उसको 4 लाइन 10 लाइन में लिख करके डाल दीजिए, हिंदी में इंग्लिश में किसी भाषा में, इन दोनों में, तो आप हिंदी में लिख दीजिए इंग्लिश में लिख दीजिए, बस उसकी फोटो खींचिए। और जो गूगल में नहीं डाल पा रहे, जैसे मान लीजिए संतोषी माता जी, हो सकता है गूगल कितनी वो ना हो, है ना, तो ऐसे लोग जो क्या कर सकते हैं मुझे भेज सकते हैं, मैं पुश कर दूंगा आपका होमवर्क, लेकिन पेपर में लिखता तो सबको आएगा, पेपर में लिख करके फोटो खींच करके भेज दीजिए, तो मैं उसको पुश कर दूंगा, डाल दूंगा उधर, है ना। तो जो लोग जो है कर सकते, तो आज जो आपने समझा है आपकी अंडरस्टैंडिंग को एक पेज में लिखना है, इससे फायदा क्या होगा, आप सतर्कता से सुनेंगे, समझ में नहीं आया तो दोबारा रिकॉर्डिंग सुनेंगे और फिर सुनेंगे, है ना। तो ये कहने का मतलब है कि आपको सोच करके सुन करके और कायदे से ध्यान रख करके फिर बनाएंगे कि आज आपने क्या सुना था। तो जो है ये काम केवल 10 मिनट का है प्रभु जी माता जी, बता रहा हूँ केवल 10 मिनट लगेगा। तो 10 मिनट में क्या है, आप आराम से अपने थॉट को लिख देना कि क्या क्या सुना, कोई हम 1 घंटे में कितना सिखा पाएंगे, वो 10 मिनट में आप लिख देंगे कि आपने ये मेन कंटेंट सीखा कि ये। तो इसलिए आप अपने हाथ में पेन कॉपी अगर रखेंगे ना पैरेलल में अभी के अभी, तो आपको क्या है कथा सुनते जाएंगे और लिखते जाएंगे पॉइंट्स पॉइंट्स को, कि ये पॉइंट है उसी को फोटो खींच के डाल दीजिए, आपका होमवर्क हो गया। ये पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका, अगर आप लिख नहीं पा रहे पर सुनते सुनते तो सुन लीजिए बाद में सोच के लिखिए, ये दूसरा पॉइंट है। तो आपको मैं तरीके बता रहा हूँ, तो अपने हाथ में पेन कॉपी रखेंगे तो लेकिन मैं डेली, और जो फाइल होगा उसका कैसा रहेगा नाम बता देता हूँ, फॉर्मेट तो फॉर्मेट ऐसा रहेगा, जैसे आप जुगेश प्रभु को डालना है तो उन्होंने आज ही फाइल डाला मान लीजिए, तो नाम है जैसे गूगल डॉक में ऐसे बना दे रहा हूँ वैसे, तो आप अपना फोटो खींच डालेंगे तो जो नाम डालेंगे ना वो ऐसा डाल देंगे जैसे आ जाओ खुल जाओ खुल जाओ खुल जाओ, इधर डाल देंगे हम लोग। आप लोग चाहे तो डायरेक्टली यहाँ भी बना सकते हैं, आपकी चॉइस है, जैसे भी करना चाहे लोग, जो आपको सबसे आसान लगे, ज्यादा टाइम मैं आपके नहीं चाहता इसमें, लेकिन चाहता हूँ जो आपने समझा है टाइम दिया वो आपको दिमाग में छप जाए। तो अच्छे तो क्या डालेंगे, श्रीमद भागवतम है ना, तो जो है ये हो गया, या इसको लिख सकते हैं SBG, ये लिखते हैं है ना SBG -, ऐसे नाम देने आप सब लोगों को। और जो है जैसे आपने पढ़ा आज के दिन कैंटो 1 है ना, तो 1 पॉइंट कैंटो 1 का चैप्टर 1 पॉइंट, और जो है क्या नाम से श्लोक 2 मान लीजिए है ना 1, तो 1 आप क्या करना उससे 1.1.4 लेट्स से हमने 4 श्लोक पढ़े का जो है आपका जो है ये का और डेट, वैसे डेट तो आप पुश कर सकते हैं, और डेट जैसे 5 जून 5 जून ये लिखना, ऐसे ये कंटेंट रखेंगे। इससे क्या फायदा रहेगा, आप जब दोबारा कभी ओपन करेंगे ना, आपने डाल दिया देखिए तो 5 जून को आपने ये पढ़ा था भागवत, उसमें आपने होमवर्क ये खत्म किया था, ठीक है। तो इस फॉर्मेट को मैं डाल देता हूँ गूगल में भी, इसमें भी ड्राइव इसमें, ताकि आप लोगों को पता चल जाए, तब ये प्रॉपर स्कूल की पढ़ाई होगी, क्योंकि सिलेबस 1 हफ्ते का नहीं है, ये 1-2 साल का सिलेबस होगा कम से कम, जब तक आपके 16 माला के आपको सर्टिफिकेट मिलेंगे तब तक का सिलेबस है। और तब आप जब गुरु ग्रहण करेंगे ना तो गुरु बहुत खुश होंगे कि आपको श्रीमद भागवतम भी आपने पूरी पढ़ा ली, भगवद्गीता पढ़ा ली, रामचरितमानस पढ़ा ली, और बीच में हम बहुत कुछ डिस्कस करेंगे,
बहुत कुछ डिस्कस करेंगे। तो बहुत बड़ा कोर्स है, तो ये जो है फॉर्मेट करना है। तो अभी समझ आ गया ना, इतना बेसिक नीड है, इसको जो है अगर आप करेंगे तो अच्छा है, नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली ऐसी कोई क्लास तो है नहीं जिसमें अगर फीस नहीं दिया तो आना नहीं है लेकिन एक करेंगे तो इससे एक बहुत बड़ा फायदा क्या होगा कि आपके लिए ही रहेगा कि आपने जो पढ़ा है वो आपको पता है, आपने पढ़ा था तो आपको पता है, नहीं तो सुन के चला जाएगा। क्योंकि इस कान में जो इस कान का नाम है, इस कान में एक बड़ा बढ़िया नाम है कि इस कान, मतलब इस कान से सुनते इस कान से निकल जाता है। तो इसलिए इस कान भी है, हमें उस इस कान में नहीं रहना है, हमें इस कान में ऐसा करना है ताकि इस कान सुने और हृदय भी सीधे पहुंच जाए, है ना। तो एक बार सुनेंगे और हाँ, एक और नाम है किसका कौन किसका कौन ये भी एक नाम है, तो बहुत नाम है, है ना। तो इसीलिए जो है अब हम लोग जो है भागवतम में, और ये जो बेसिक श्लोक है मैं वो श्लोक भी डाल देता हूँ आप लोगों के लिए, वो याद कर लीजिए, मैंने आज रिपीट करवाया आप लोगों को। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, सबको पता है। फिर उसको अवतार होता है नारायणम नमस्कृत, मैं हिंदी इंग्लिश इसमें डाल देता हूँ दोनों में, ये ग्रुप में आ गया। ये भागवतम के लिए जब भी कभी भागवतम का श्लोक रिवाइज भी करिए ना, तो पहले ओम नमो भगवते वासुदेवाय, फिर ये श्लोक, ये फिर ये नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, उसका क्यों इंग्लिश वर्जन मिला है मुझे भी, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेव्या भगवती उत्तमा, भगवती उत्तमा श्लोक है भक्तिर भवति नष्टिकि। तो ये दो श्लोक है, ठीक है, ये श्लोक जो है इसके जो ओम नमो भगवते वासुदेवा के बाद, तो ये दो श्लोक पढ़ना है, फिर अपना अपना श्लोक पढ़िए जब रिविजन करते हैं या पढ़ते हैं। तो भागवतम एक महान ग्रंथ है, आप सबका स्वागत है इस, और इसके लिए आपने पूर्ण जो इसके पूर्व जो जितना ज्ञान चाहिए था आपने वो प्राप्त कर चुके हैं। आपको पूर्ण भगवद्गीता आनी चाहिए थी भागवतम में आने के पहले, तो आपने भगवद्गीता का वो संकल्प अपना पूरा किया, और जो है क्या नाम से ब्रह्म संहिता आनी चाहिए थी, तो आपने ब्रह्म संहिता का संकल्प पूरा किया, आपने इसके बेसिक कोर्स दोनों पूरे कर लिए। अब आपका समय आ गया है भागवतम करने का, तो बहुत बहुत आप सबको बधाई है और बहुत बहुत नमन है आप लोगों को कि आप लोगों ने जो है इस कोर्स तक पहुंचने के लिए जितने इसकी सीढ़ियां थी वो पार कर ली सफलतापूर्वक। अब हम लोग जो है पहला श्लोक पढ़ेंगे। तो अब आप लोग को मैंने जो शेयर किया है ना, उसको आप चाहें तो उससे पीडीएफ ओपन कर लीजिए, अगर आपका बुक है तो ओपन कर लीजिए, जैसे भी है हम एक श्लोक से पढ़ेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। तो अगर आपको चाहिए तो मैं स्क्रीन शेयर किए रहूँ आप लोगों के लिए, शेयर किए रहूँ, ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों स्क्रीन शेयर किए रहता हूँ और आप लोगों का ले ओपन आज के दिन ओपन कर देता हूँ, कल के दिन से आप लोग चाहें तो। ग्रंथ में जाएंगे, ग्रंथ में कैंटो वन जाएंगे, कैंटो वन में देखिए मैंने आप लोगों के लिए सच में बहुत मेहनत कर रहा हूँ उस मेहनत की थोड़ा वैल्यू करिएगा, पढ़ते रहिएगा अच्छे से। और ये जो है ये देखिए ये एज इट इज है, जो बुक है ना वही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको ये मिल गया तो बुक खरीदना नहीं है, बुक आपके स्वयं कृष्ण है वो हाथ में जरूर होना चाहिए। तो जैसे जैसे जो है बड़ा कर दीजिए, अच्छा स्क्रीन बड़ा कर दे, स्क्रीन फॉर मैंने बड़ा किया, अभी दिख रहा है क्या, मैंने 200% कर दिया है, अभी दिख रहा है सबको, मैं अब देखिए स्क्रीन शेयर करूंगा तो जो है इसमें एक चीज है, ओके मुझे थोड़ा अभी 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 ये दिख रहा है क्या, ठीक है। तो हम लोग पहले अध्याय के पहले श्लोक में आ रहे हैं, मुनियों की जिज्ञासा। यहाँ जो मुनि हैं कौन हैं, उनकी जिज्ञासा क्या थी, हम इसको समझेंगे पहले चैप्टर में। तो ये जो अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, भागवतम का उदाहरण मैंने आपको बहुत बार दिया है, मल्टीपल टाइम्स मैंने आपको भागवतम का उदाहरण देता रहा हूँ कि भागवतम के में ये लिखा है, भागवतम में वो लिखा है। जब भगवद्गीता पढ़ाते थे तो भी मैं आपको भागवतम का उदाहरण देता था। तो कई बार ऐसा होगा कि आप लोगों को ये भागवतम का जो उदाहरण है जो हमने दिया था वो यहाँ मिलेगा। तो इसका मतलब ये नहीं सोचना है कि आपको तो पहले से आता है, उसको वैसे ही सुनना है जैसे नए ढंग से सुनना है, पहले से आने वाला कोई केस नहीं, नए ढंग से सुनना है हमें, ऐसा ही सोचना है, ठीक है।
क्योंकि इसमें आपको बहुत सी चीजें मिली हुई नजर आएंगी, क्योंकि हम बार बार इसका उदाहरण देते रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो इसमें भगवान क्या कहते हैं, इसमें वासुदेव जी हैं जो इसको ग्रंथ को लिखना शुरू किए। उन्होंने जब ग्रंथ को लिखना शुरू किया तो सबसे पहले उन्होंने ये लिखा, इसको जो है गायत्री मंत्र भी बोलते हैं, जो पहला मंत्र है पूरा इसको गायत्री। तो आप कहेंगे गायत्री मंत्र तो आपने केवल ओम भूर्भुवः स्वः सुना है, तो वो भी गायत्री है। गायत्री मतलब जब आप जो है भगवान का गायन करते हैं, है ना, इन भगवान के बारे में कुछ बोलते हैं तो गायत्री हो जाता है ना। तो गायत्री मंत्र का मतलब यही है, तो भगवान के लिए गायत्री है, तो गायत्री जो किया हमने, तो कहते हैं। और जो पहले दो श्लोक हैं इनका सुर ताल बिल्कुल अलग है, क्योंकि ये गायत्री फॉर्म में है ना, भगवान के बारे में है। आगे जो है उसके बाद वही भगवद गीता के जो श्लोक का था ना, पूरा श्लोका श्लोका वैसा रहेगा, लेकिन पहले दो श्लोक हैं उनकी उनका फॉर्म अलग है, ठीक है, ये समझिएगा। इन पहले दो श्लोक मिलेंगे वो गायत्री फॉर्म में है, इसलिए इनका श्लोका बिल्कुल अलग ढंग से मिलता है। तो ये मत सोचिएगा ऐसे ऐसे बड़े बड़े श्लोक सब में है, नहीं, बाकी श्लोक छोटे छोटे हैं, केवल पहले दो श्लोक इतने बड़े बड़े हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और सब लोग देख रहे हैं ना, सब लोग मेरे मतलब अनम्यूट करके नहीं पढ़ना है, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ तो आप भी अपना अपना पढ़िए, है ना। तो देखिए इसमें साफ साफ लिखा है ना, अगर आप देखिए शब्दार्थ ओम नमः, है ना, लिखा ना भगवते, तो ऐसे याद करिए, अच्छा भाई ओम नमः भगवते वासुदेवाय जन्मादि अस्य यतः अन्वयात इतरतः च, है ना, ऐसे करके आप एक एक शब्द पढ़िए, तो क्लियर पढ़ना है। मैं आपको बता रहा हूँ बस कि एक एक शब्द क्लियर पढ़ना है। नहीं दिख रहा क्या माता जी, एक सेकेंड, थोड़ा अभी दिख रहा है, ठीक है। गायत्री माता जी आप अपने फोन से भी ऐसे जूम कर सकती हैं, मैंने ऐसे ही किया हुआ। हाँ, वैसे आपके फोन में सुविधा होती है जूम करने का। हाँ, तो अभी बस जूम करिए, तो आप देखिए अपने फोन में ऐसे बढ़ा लीजिए, बड़ा करके देखिए माता जी, दिख रहा है क्या? अब माता जी आप म्यूट पे बोलिए अगर कुछ बोली तो। प्रभु जी नहीं हो रहा है कोई नहीं, तो मैं भी कर दे रहा हूँ, अभी अगर आपको दिख रहा है ना तो ये बड़ा देख, इसको देखते हैं, है ना, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम से आपको क्या करना है, नेक्स्ट टाइम से आपको जो है अपने अपने सिस्टम में खुद ओपन करना है ना, सब लोग ओपन करिएगा, ठीक है। चलिए तो जो है अब ये क्या है, हम लोग पढ़ रहे हैं, आप सब लोग अपना अपना पढ़िएगा, म्यूट कर लीजिए सब लोग, अनम्यूट कोई मत रखिए, लेकिन अपना अपना पढ़िए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्म आदि अस्यतः अन्वयात इतरतः च अर्थेषु अभिज्ञः स्वरात तेने ब्रह्म हृदयः आदि कव्ये मुह्यन्ति यत सूर्यः तेजः वारिमृदां यथा विनमयः यत्र तिसर्गा अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्ता कुहकं सत्यं परम धीमहि। क्या कहते हैं भगवान यहाँ पर, कहते हैं कि आपने जो श्लोक पढ़ लिया उसका मतलब बताता हूं कि हे प्रभु, हे वासुदेव पुत्र श्री कृष्ण, तो जो है क्या है, कहते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, है ना, ओम नमो भगवते वासुदेव का मतलब क्या हुआ कि नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेव मतलब वसुदेव, है ना, पुत्र श्री कृष्ण, वासुदेव यानी वसुदेव के पुत्र श्री कृष्ण, मैं आपको नमन करता हूं, और जो है मैं आपको सादर नमस्कार करता हूं, मैं भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूं, देखा ना, परम धीमहि, तो धीमहि का मतलब होता है ध्यान करना, कहते हैं मैं आपका ध्यान करता हूं क्योंकि वे परम सत्य हैं, है ना, और व्यक्त ब्रह्मांडों की उत्पत्ति पालन तथा संहार के समस्त कारणों के आदि कारण है। आपको पूरा क्लियर हो गया होगा, है ना, क्लियर हो गया ना ये, यानी किस चीज के, ये पूरा स्क्रीन का स्क्रीनशॉट नहीं आ रहा है क्या, अभी अभी देखिए लेकर के, अगर आप स्क्रीनशॉट ले रहे हैं इसका तो, हाँ अभी आएगा, ठीक है। तो जो है क्या है, तो कहते हैं हे प्रभु, हे वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण, हे सर्वव्यापी भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। कौन बोल रहे हैं ये, वासुदेव, कौन है, वेद व्यास जी बोल रहे हैं कि मैं आपको प्रणाम करता हूँ सादर, क्योंकि मैं भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूं, क्योंकि वे क्यों ध्यान करता हूं, धीमहि
क्योंकि वे परम सत्य हैं, है ना, परम सत्य हैं, और व्यक्त ब्रह्मांडों की उत्पत्ति पालन तथा संहार के समस्त कारणों के आदि कारण है। तो जो है अब क्या है, समस्त कारणों के आदि कारण है, ये हम सब जानते हैं। ईश्वर परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंदा सर्व कारण कारिणम, ये बात ब्रह्मा जी ने भी लिखी थी। ये बात कौन लिख रहे हैं, यानी ब्रह्मा जी ने कब लिखी थी, सृष्टि के प्रारंभ में। और वेद व्यास क्या है, कौन है, स्वयं भगवान के ही, कौन है, भगवान के अवतार है, है ना। तो जो है उन्होंने भी ये लिख दिया, तो इसका मतलब है ये बात अब दो दो शास्त्रों में पढ़ लिया हमने, मतलब हमें पता चल गया कि ब्रह्मांडों की उत्पत्ति पालन और संहार, ब्रह्मांडों की उत्पत्ति पालन संहार, वैसे हमको क्या पता है, ब्रह्मा जी सृष्टि करता है, पालन करता विष्णु है, संहार करता कौन है, महेश है। लेकिन इधर ये तो कुछ और लिख रहे हैं, ये क्या लिख रहे हैं कि जो है क्योंकि वे परम सत्य हैं, परम सत्य मतलब उनसे बड़ा सत्य कोई नहीं, मतलब ही इज द बिगिनर, सबसे शुरुआत आदि है वो, तो परम सत्य है। वैसे जो कभी, मतलब सत्य का मतलब क्या होता है, जो कभी हिलता नहीं है, है ना, बाकी सब झूठ होता है, झूठ हिल जाता है, सत्य हिलता नहीं है। जैसे ये घर हमने बनाया, तूफान आएगा घर गिर जाएगा, ये घर बना है, देखने में सत्य लग रहा है लेकिन एक्चुअली झूठ है। ये शरीर जो बना है, जो देखने में मैं बोल पा रहा हूँ, चल पा रहा हूँ, भाग पा रहा हूँ, हंस पा रहा हूँ, सारे कार्य कर पा रहा हूँ, प्रीचिंग कर पा रहा हूँ, कथा सुन पा रहा हूँ, ये सारे काम जो मैं कर पाता हूँ, आप लोग कर पाते हैं, ये शरीर है। लेकिन जिस दिन शरीर चला गया उस दिन ये असत्य हो जाएगा, यानी सत्य नहीं है। सत्य होता तो ये शरीर हमेशा बना रहता है ना, इसका मतलब ये पूर्ण सत्य नहीं है। तो फिर क्या सत्य है, कहते हैं वे सब परम सत्य है, कौन, भगवान श्री कृष्ण, जो ब्रह्मांडों की उत्पत्ति पालन तथा संहार के समस्त कारणों के आदि कारण है। तो इनके यानी उत्पत्ति के कारण कौन है, ब्रह्मा जी, पालन के कौन है, विष्णु, संहार के और शिव है। तो कहते वो जो ये जो इन तीनों के जो कारण है, यानी उत्पत्ति के पालन के कारण, उनके कारण भगवान कृष्ण है। इस लाइन का मतलब समझ आया है ना, कहते हैं यानी पालन तथा संहार के समस्त कारण, यानी उनके समस्त कारण जो है, यानी इन तीनों के जो कारण है वो भी भगवान कृष्ण है। इसमें वो बात क्लियर हो गई जो ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता में हम लोगों ने पढ़ी थी, वो बात ये यहाँ दिख रही। अभी समझ आया ब्रह्म संहिता पढ़ना कितना जरूरी था, वो पढ़ लिया तो बड़ी जल्दी जल्दी समझ में आएगा। वे प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से सारे जगत से अवगत रहते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब के अरे भगवान जब द्वापर युग में आए थे तब तो सब कुछ जानते थे, अब तो है नहीं, क्या जानते होंगे, लिखा है इसमें, क्योंकि वो परम स्वतंत्र हैं, वो कभी भी आ सकते हैं और कभी भी गायब हो सकते हैं, उनसे बड़ा स्वतंत्र कोई दुनिया में नहीं है। वो प्रत्यक्ष सामने हैं पर दिखेंगे नहीं, उनकी मर्जी। आपको लगता है कि मंदिर में आप भगवान के दर्शन करने जाते हैं, सत्य ये नहीं है, सत्य ये है कि भगवान आपके दर्शन करते हैं, भगवान को आप दिखाने जाते हैं कि मैं आ गया, देख लीजिए, मुझे देख लीजिए, मेरा नाम नोट कर लीजिए। भगवान आपको देखते हैं क्योंकि आप स्वयं को भगवान के, आप चाहते हैं कि भगवान आपको एक बार देख लें। आप बताइए जब कभी शादी वगैरह में बुलाया जाता है आप लोगों को, तो कई लोग कहते हैं भैया परिवार में एक व्यक्ति चले जाओ, शकल दिखा के आ जाना, है ना। तो जो शकल दिखा के आने वाली बात होती ना, इसका मतलब ये हुआ कि तुम आए थे, पता चले तुम आए और चुपचाप चले गए कुछ भी दे करके, तो अरे वो पड़ोसी नहीं आए थे, बाकी तो सब आ गए। तो कहते हैं सकल दिखा के जरूर आ, मेन आदमी को, जो हम आ गए, हम थे, है ना। मतलब इसी ढंग से जैसे मंदिर जाते हैं ना, बस भगवान आपको मैंने देख लिया, दर्शन कर लिया, बहुत सुंदर लग रहे हैं, और जो बस मुझे ये दे दीजिए, मैं आपके पास आया तो मुझे, मैं आपके घर में आया ना, एक किलो केला लेकर के, एक किलो मिठाई लेकर के, 11 रुपए चलाने के लिए, आप मेरा थोड़ा करोड़ों का काम करा दीजिए, है ना। तो ऐसा वाला कोई हमें कॉन्सेप्ट नहीं रखना है, यानी क्या है, भगवान हमें दर्शन करते हैं। तो क्योंकि वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सब कुछ, सब जगह से वो अवगत है, पूरे जगत से अवगत है, चींटी से लेकर के ब्रह्मा तक सब कुछ वो जानते हैं, सबको नियंत्रित रखते हैं। आप सोचिए हम परिवार के मुखिया हैं, 2 बच्चे हैं, 1 बीवी है, उसके बाद उनको संभाल पाने में कितना मुश्किल होता है ना। लेकिन वो चींटी से ब्रह्मा तक सब लोगों को कंट्रोल में रखते हैं, इसीलिए वो परम सत्य है ना, और उनसे परे कोई दूसरा कारण नहीं है, वही परम कारण है, ये हमने अच्छे से देखा था। उन्होंने ही सर्वप्रथम आदि जीव ब्रह्मा जी के हृदय में वैदिक ज्ञान प्रदान किया। आप समझ नहीं आ रहा होगा,
कहां से प्रदान किया ये पूरा पता चल गया। ब्रह्मा जी कैसे निकले थे, कैसे कमल के अंदर गए, वापस आए, फिर सरस्वती माता जी आई, उन्होंने उनको एक ज्ञान दिया। उसके बाद जो ब्रह्म भगवान ने वेणु के द्वारा अपने वेणु से उनके कानों में ये जो है ये गायत्री डाला और फिर उन्होंने गायत्री किया, उसके बाद जाकर उनको पूरा ज्ञान मिला है ना, कि पूरा ज्ञान हमें पता चल गया इस लाइन को पढ़ते ही कि कैसे। आपने जो कैसे वाला केस है वो यहाँ तुरंत पता चल गया, उन्होंने ही सर्वप्रथम आदि जीव ब्रह्मा जी के हृदय में वैदिक ज्ञान प्रदान किया था। उन्हीं के कारण बड़े बड़े मुनि तथा देवता उसी तरह मोह में पड़ जाते हैं जिस प्रकार अग्नि में या जल में जो है कौन रहते हैं, अग्नि अग्नि में जल या जल में स्थल होने, जल में स्थल देखकर कोई माया के द्वारा मोहित हो मोहग्रस्त हो जाता है। तो यह ब्रह्म संहिता में आपने पढ़ा है ना, ब्रह्म संहिता भगवान ने बोला है, तो ब्रह्मा जी ने बोला था कि बड़े बड़े जो है एक से एक जो मुनि है ना, वो लोग भी आपके जो है उसमें मोह में पड़े रहते हैं, उनको भी आपके आपका बारे में पूर्ण ज्ञान नहीं होता है। तो जो है ब्रह्म संहिता में इस चीज को बहुत अच्छे से इन्होंने बोला था, ब्रह्मा जी ने बोल रखा है। तो जो है उसी रंग से इसमें मैं आपको इसका बताना चाहता था, ब्रह्म संहिता में वेदेश दुर्लभ है ना, अदुर्लभ मात्र भक्तो है ना, तो ये आपने बोला था। और इसमें बोला था वायु रथापि मनुषो मुनि पुंगवानाम, ये आपने पढ़ा था ना, कि जो ये लोग मन से लगे रहते हैं है ना, खूब ध्यान करते हैं, योग करते हैं, करोड़ों करोड़ों साल तक करते हैं, लेकिन आपके चरण के पैर के अंगूठे के अग्र भाग के प्रकाश तक पहुंच पाते हैं, इतने माया में पड़े होते हैं, यानी आपके सकार रूप को वो भी समझ नहीं पाते। तो जो है इसमें वही लिखा है कि बड़े बड़े मुनि तथा देवता उसी तरह मोह में पड़ जाते हैं जिस प्रकार अग्नि में जल या जल में स्थल देख करके कोई माया द्वारा मोहग्रस्त हो जाता है। उन्हीं के कारण ये सारे भौतिक ब्रह्मांड जो प्रकृति के तीन गुणों की प्रतिक्रिया के कारण अस्थायी रूप से प्रकट होते हैं, है ना। तो आप कहते हैं उन्हीं के कारण है, जबकि हमने क्या देखा है, दुर्गा जी माया देवी है जो तीन गुणों को जो है क्या करती है, तीन गुणों की वजह से लोगों को परेशान करती रहती है। वह कभी सतोगुण डालेंगे, कभी रजोगुण, कभी तमोगुण में लोग भटकते रहते हैं, इन्हीं गुणों में बंधे रहते पड़े। देखो क्या कह रहे हैं वेद व्यास जी यहाँ पर, उन्हीं के कारण, यानी किनके कारण, परम सत्य कारण। परम सत्य कौन है, कृष्णा के कारण। कृष्णा के कारण जो प्रकृति के तीन गुणों की प्रतिक्रिया के कारण अस्थायी रूप से वो प्रकट होते हैं, वास्तविक लगते हैं, और ऐसे वो क्या होते हैं, वो आ जाते हैं और लगता है जैसे वो भी इस प्रकृति में फंस के रह गए है ना। तो जो है वो आ जाते हैं, मुरली बजाते हैं और जो है लोग ग्वाल वालों के साथ खाना पीना करते हैं, सब मस्ती करते हैं, तो लोगों को लगता है कि बस यही, बस इतना ही भगवान का यही लेवल है, इससे ऊपर नहीं है, कोई पावरफुल इंसान आ गया है। तो कई लोग बात करते हैं, हाँ कृष्ण जो थे द्वापर युग में आए थे, एक महान व्यक्ति थे, महान पुरुष थे। अरे तुमको क्या पता वो महान है, वो महापुरुष है। तो ऐसे पुरुष है जो है परम पुरुष है, उनके अलावा कोई पुरुष है ही नहीं। तो भगवान उनको कई बार जो है वो, कई लोग उनको महापुरुष के नाम से जानते हैं। जैसे एकल एक व्यक्ति से मेरी शाम को बात हो रही थी, वो उनको मैंने ज्ञान दिया था बहुत पहले कि तुम हरे कृष्ण महामंत्र पढ़ा करो, क्या मैं बहुत दुखी हूँ परेशान हूँ। मैंने कहा देखो एक ही तरीका है, भगवान के शरण में जाओ पढ़ो। फिर डेली मुझे 30 से 14 दिन अपडेट देते रहे कि मैं बहुत महामंत्र बहुत पढ़ने लगा हूं, मुझे बहुत आनंद आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। फिर एक बार हुआ कि अपडेट देना बंद कर दिया, बातचीत बंद हुई। कल फोन किया उन्होंने, तो उन्होंने मुझसे बोला कि जो है मैंने जो है वो मुझे आजकल राम की भक्ति करने में बहुत आनंद आ रहा है। मैंने कहा वेरी नाइस, करे रहो मुन्ना भाई, लगे रहो, है ना। तो मतलब क्या है कि उसको ये पता नहीं चल रहा है कि एक्चुअली मैं भक्ति किसकी करना चाह रहा हूँ। कि कृष्ण की भक्ति में मुझे मजा तो बहुत आ रहा था, लेकिन राम की भक्ति में बहुत 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 जो है संतुष्टि मिल रही है। मैंने कहा बिल्कुल लग जाओ बेटा, है ना। तो जो है ऐसे, तो क्या है कि जो है मतलब फिर उनको मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तो प्रकृति के तीन गुणों के प्रतिक्रिया भगवान आते हैं तो लगता है जैसे बिल्कुल वास्तविक हैं, लेकिन वो अवास्तविक होते हैं एक्चुअली, वो इस तरह से आते हैं। तो कहते हैं मैं उन भगवान का ध्यान करता हूं, और क्यों, जो भौतिक जगत के भ्रामक रूपों से सर्वथा मुक्त अपने दिव्य धाम में निरंतर वास करते हैं। तो सबको पता चल गया है ना धाम का कौन है, गोलो का, वहीं पे निरंतर निवास करते हैं, वहां से वो कभी नहीं निकलते। जो कृष्ण रूप यहाँ पे आए उनका एक वो भी अपने अपने आप का अपने आप को दो टुकड़ों में बांटते समझ लीजिए, यानी दो टुकड़ों बांटने वाला भी नहीं, जैसे दीपक दूसरे दीपक को जलाता है ना सेम एनर्जी बन जाती है, वैसे ही अपने आप को एक और एनर्जी बना के नीचे आए थे वो, यानी गोलोक को कभी नहीं छोड़ते, और छोड़ करके जो है फिर वो सर्वथा मुक्त दिव्य धाम में रहते हैं। मैं उनका ध्यान करता हूँ क्योंकि वे ही परम सत्य है। तो आपने जो है ये देखा, तो जो है इसमें देख करके आपको ये समझ में आ गया कि आप
भगवान वेद व्यास जो भगवान के स्वयं रूप है, उन्होंने आकर किस तरह से भगवान की महिमा का यहाँ पहले श्लोक में गुणगान किया है। तो ये इसे हमें एक दो सीख मिलती है। एक दो क्या सीख मिलता है? पहला सीख ये मिलता है कि हम जब भी कोई ग्रंथ लिखें या जब भी जो है कुछ ऐसा बड़ा काम करें ना, तो हमें सबसे पहले भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए, उनको नमस्कार करना चाहिए, उनको ध्यान करना चाहिए, फिर कोई कार्य करना चाहिए। इससे ये शिक्षा मिलती है। स्वयं वेद व्यास जी ने पूरा ये लिखने के पहले भगवान को याद किया। वैसे हम सबको अपने गुरु को याद करना चाहिए, फिर भगवान को याद करना चाहिए, और फिर जाकर के हमको आगे बढ़ना चाहिए। इससे प्रभुपाद जी ने बहुत बढ़िया ढंग से पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है, जो एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने ब्रह्मचर्यता में पढ़ा है और जो थोड़ा भगवद गीता में पढ़ा है, उन सबका पूरा पूरा ये दिया है। इसमें अगर आप देखेंगे, इसमें देखिए ग्रंथ ब्रह्मचर्यता में, देखा ग्रंथ ब्रह्मचर्यता में श्री कृष्ण के विषय यथेष्ट व्याख्या की लिखी, देखा ना, है ना, ब्रह्मा जी ने किया है, तो हमने सब पढ़ गया है। श्री जी गोस्वामी ने उसमें किया था। तो मैं इसमें जो छटा छटा आया है मैं आपको बताता हूँ, जो मतलब थोड़ा सा वो रहेगा, रिपीटिस्ट आपको लगेगा, लेकिन मैंने आपको बोला ना इसमें आगे बहुत चीजें रिपीट लगेंगी, क्योंकि मैंने आपको कई बार इसका उदाहरण दिया है, इसलिए लेकिन ध्यान से सुनते रहिए। तो इसमें प्रभुपाद जी ने अलग अलग ग्रंथों का रेफरेंस देकर के भगवान के बारे में बताया है। तो भगवान ने बोला कि भगवान की वासुदेव जी जब वेद व्यास जी ने जब नमस्कार किया, तो उन्होंने ये नहीं बोला कि मैं कृष्ण को, परम कृष्ण को नमस्कार करता हूं, नहीं, उन्होंने बोला कि मैं जो है वसुदेव के पुत्र, वसुदेव और देवकी के पुत्र कृष्ण को नमस्कार करता हूं, क्योंकि वो यहां पर तथा वहां पर भी गोलोक में भी वसुदेव और देवकी के धाम है, वहां पर है ना, वहां पे भी उन्हीं के पुत्र के नाम से जाने जाते हैं, इसलिए उनको वासुदेव भी बोलते हैं। ठीक है, इस तथ्य के जो है इसमें क्या है, वेद व्यास जी ने बहुत ही स्पष्ट तरीके से बताया है कि वो जो है देवकी और वासुदेव के ही पुत्र हैं, और श्री कृष्ण भगवान आदि भगवान है ये भी उन्होंने बोल दिया, क्योंकि वो कैसे रहते, कभी अंश और कभी अंशांश के रूप में आकर काम करते रहते हैं, जिसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष बोलते हैं, कभी पूर्ण अंश आते हैं, कभी अंशांश आते हैं, अंश के अंश से आते हैं, जैसे पूर्ण अंश के रूप में कृष्ण बनकर के आ गए, और कभी अपने अंश के अंश यानी जो शंकरसन बलदेव और महा जो फिर जो है महाविष्णु, ये क्या है, ये अंश के अंश बनते चले गए, है ना, तो उनके फॉर्म में आते हैं। तो जो है अब कृष्ण संदर्भ नामक जो है जो पुस्तक लिखी श्री जीव गोस्वामी जी ने, उसमें उन्होंने पूर्ण व्याख्या करी है, और ब्रह्मा जी ने भी इसकी व्याख्या ब्रह्मचर्यता में भी करी है, बताया है कि भगवान परम सत्य है, और उसके बाद साम वेद जो उपनिषद है ना, उसमें भी भगवान को देवकी के पुत्र के नाम से ही बताया गया है। ठीक है, ये सब रेफरेंस दिया जा रहा है कहाँ कहाँ से, ताकि आपको पता चले कि व्यास देव जी ने क्यों उनको जो है देवकी वसुदेव के पुत्र के रूप में उन्होंने उनको बोला। तो और भगवान और भगवद गीता में भी भगवान ने अपने आप को कई बार आदि भगवान घोषित किया है, उन्होंने बोला है कि मैं आदि भगवान हूँ। पद्म पुराण में भी बोला गया है, तो भगवान की क्या बोला गया पद्म पुराण में, कि भगवान के असंख्य नाम है, असंख्य नाम, उनमें से श्री कृष्ण जो नाम है ना, कृष्ण वो सर्व प्रमुख नाम है। ठीक है, ऐसे करके उन्होंने जो है उसमें पद्म पुराण में भी इसकी पुष्टि मिलती है, और उसके बाद जो है तो कहते हैं जो जितने परमहंस सन्यासी हैं उनके द्वारा श्री कृष्ण को ही सदा ध्यान में लगाया जाता, किसी और को नहीं लगाया जाता, वो कृष्ण को लगाते हैं तभी वो परम सन्यासी बनते हैं। और इसी तरह से जो है इनको महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला है पता है, भागवतम को बोला है कि ये निर्मल पुराण है, इसको निर्मल पुराण बोला है। कहते हैं कि जितनी भी दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो सब भगवान से उद्भूत हैं, भगवान से ही निकली हैं, और उन्होंने बोला इसको ये निर्मल पुराण है। क्यों निर्मल पुराण है, क्योंकि इसे भगवान श्री कृष्ण का दिव्य आख्यान है, दिव्य बातें भगवान की लिखी हैं, इसलिए इसको निर्मल पुराण बोला है। ठीक है, आप सोचिए मैं क्यों आपको जो प्रभुपाद जी ने पूरा क्यों लिखा हर शास्त्रों का, ताकि आपको पता चले कि आप क्या पढ़ने वाले हैं। आप साधारण चीज नहीं पढ़ रहे हैं, अब आप डुबकी लगा रहे परम सागर में, अभी तक तो आप नदी यदि नहा चुके हैं, अब आपका समय आ गया सागर में नहाने का, है ना। तो जो है आप कहते हैं, और वो सागर है जिस सागर में सारी नदियां गिरती हैं आकर के, यानी इसको पढ़ने के बाद आपकी सारी सारे शास्त्रों का ज्ञान हो जाएगा। तो वेद व्यास जी ने क्या क्या लिखा है,
चारों वेद दिखे हैं, वेदांत सूत्र, ब्रह्म सूत्र बोलते हैं उनको, पुराण, महाभारत, ये सब लिखा है ना। और भगवान के जो दिव्य कार्यकलाप है ना, मेनली वो दसवें स्कंद में मिलेंगे, दसवें स्कंद में मिलते हैं भगवान के दिव्य कार्यकलाप। लेकिन साफ साफ मना किया गया है कि वहां सीधे जाके नहीं दसवां स्कंद पढ़ना है, क्योंकि अगर आप सीधे जाके दसवां स्कंद पढ़ेंगे ना तो आप आनंद नहीं ले पाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि आप क्या पढ़ रहे हैं और क्या खो रहे हैं, तो आपको वो आनंद जो है प्राप्ति नहीं हो पाएगी। तो आपको जो है अगर आनंद की प्राप्ति करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पूर्णतया दिव्य जो दसवें स्कंद में जाने के पहले आपको पूरे नौ स्कंद पढ़ने चाहिए, दसवें स्कंद में सीधे जंप मत लगाइएगा, क्योंकि उनको क्या बोला गया है अभी आपको पता चलेगा जो दसवें स्कंद में सीधे जाने के प्रयास करते हैं। तो जो है लेकिन अब कोई जैसे व्यक्ति है जब वो तारे देखता है आसमान में, सूरज देखता है, सब कुछ चंद्रमा देखता है, तो उसको अंदर से महसूस होता है कि यार ये कैसे बने होंगे, ये कहां से आए होंगे, है ना। तो उनके बारे में वो चिंतन करता है, और चिंतन करता है तो स्वाभाविक रूप से वो उनकी कल्पनाएं करता है कैसे होंगे। तो कई लोग कल्पना में कुछ ना कुछ लिख देते हैं, लेकिन अगर शास्त्रों को पढ़ करके लिखेंगे तो पता चलेगा, जैसे हमने शास्त्र पढ़ा ब्रह्म संहिता, अब हमें पूरा ज्ञान हो गया, पूर्ण ज्ञान कि वो कैसे, यानी पूर्ण ज्ञान हो चुका है कि किस तरीके से भगवान जो है क्या करते हैं, किस तरीके से ब्रह्मांड बना है, तारे बने हैं, चांद बना है, सब कुछ किस तरीके से बना हुआ है, ये पता चलता है। और जो है उसके पश्चात, तत्पश्चात भगवान जो है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिनकी चेतना क्या है, बिल्कुल पशुओं की तरह है, बता रहे हैं बिल्कुल पशुओं की तरह, जो समझ ही नहीं सकते कि सृष्टि का उद्गम क्या है, उनको लगता है कि मैं ही, अगर मैं नहीं होता तो जो है, अगर लोग कहते हैं अगर मैं नहीं होता तो मेरा बेटा कहां से होता, मेरा बच्चा कहां से होता, है ना, मैं नहीं होता न कमाता तो तुम खाते कहां से, ये सब होता है। तो जो है एक से एक ऐसे लोग पड़े हुए हैं जिनको परम अज्ञानी है, पशुओं के जो है की तरह की उनकी चेतना है, और वो कभी समझ नहीं पाते कि किसके इच्छा अनुसार ये सब कार्य हो रहे हैं, उनको कभी पता नहीं चलता। आजकल के जो वैज्ञानिक हैं वो क्या करते हैं, वो कुछ कुछ तारों को देख करके क्या करते हैं, पूरे ब्रह्मांड की जो है स्थिति पता लगा बताने की कोशिश करते हैं, ये ऐसा बना होगा, है ना, वो ऐसा होगा, आकाश में कुछ ऐसे तारे बने होंगे, लाखों तारे हैं, करोड़ तारे, पहले बताते एक ही ब्रह्मांड है, बाद में उन्होंने बोला शास्त्रों को पढ़ करके असंख्य ब्रह्मांड है, अब एक लाइन लिख दी, अब पता लगाते रहो, कौन जाएगा पता लगाने के लिए, बोल दिया एक बम फटा, सब अपनी स्थिति में खुद ही आ गए। अरे कैसे खुद ही आ गए, उसका कोई पीओसी प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है कि नहीं है, आप करके दिखाओ तो समझा जाएगा कि ऐसे आ गए। तो वैदिक शास्त्रों में बिल्कुल साफ साफ कहा गया है कि परम सत्य कौन है, पुरुषोत्तम भगवान है, जो ब्रह्मा से लेकर के चींटी तक सब जीव को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। और फिर क्या बोला गया है, देखिए साफ साफ बोला गया है, निष्ठाहीन व्यक्ति सीधे दशम स्कंद में जाकर, पांच अध्याय है उसमें, दशम स्कंद में पांच अध्याय हैं, जहां पर जाकर के लोग क्या करते हैं, उसमें रास लीला का वर्णन हुआ, भगवान के रास लीला का वर्णन किया गया, उसको पढ़ने की कोशिश तुरंत पढ़ने लगते हैं, उनको उसी मजा आनंद आता है। मेनली कौन पढ़ते हैं पता है, जो भागवतम सुनाते हैं, भागवतम में मेनली वो दसवां स्कंद ही सुनाते हैं, आगे पीछे से उनको कोई मतलब नहीं, रास लीला हो रही, गोपी चले गई और भगवान बड़े आनंद ले रहे हैं रास लीला में, तो ये क्या क्या होता है। अब चूंकि नौ चैप्टर किसी को पता नहीं है, दसवें चैप्टर में जो है रास लीला करते हुए दिखाई देते भगवान, है ना, तो लोग सोचते हैं जब भगवान कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता, ऐसी इनकी स्थिति जो है भगवान, ऐसी इनकी स्थिति बन जाती है, यानी जब भगवान कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, जब मैं कर सकता हूँ तो जो है तो जो है वो कहते हैं जब मैं कर सकता हूं तो फिर उस भाव को, इसलिए कभी भी भागवतम सुनने के बाद कभी सीख नहीं पाते, जिस भाव से आते हैं उल्टा उल्टा सीख के चले जाते हैं, क्योंकि जिनसे सीखते हैं वो कौन है। हाँ वो वाली लाइन है ना उनके लिए, वो करे तो रास लीला, हम करे तो करेक्टर लीला। हाँ ये जो है बिल्कुल सही बोली माता जी, है ना, मतलब तो हम करे तो करेक्टर लीला, वो करे तो रास लीला, है ना। तो ये वही प्रॉब्लम है, इन लोगों को लगता है कि जो भगवान ने जी किया है वो तुम कर सकते हो, तो कहो तो बेटा भगवान ने तो जो जो किया है ना, तुम्हें अगर कोई भी अपने स्तनों में जहर लगा के पिला देगा ना तो वैक्टिक हो जाओगे, एक सेकंड में बचोगे नहीं। तो जो है उनको जो भगवान ने छह दिन में जो क्या किया, पूरी पुतना मार डाली उन्होंने, इतने बड़े बड़े बकासुर अगासुर मार डाले, और तुम्हारे पास जरा सा संघर्ष आता है तो तुमको क्या मिलता है, तुम जो है संघर्ष से आत्महत्या कर लेते हो, जहर खा लेते हो कि मैं संघर्ष झेल नहीं सकता,
तो भगवान की बराबरी करने वाले व्यक्ति जो है ऐसे ही बोलेंगे, वो करे तो रासलीला, मैं करूं तो करेक्टर ढीला, है ना। बिल्कुल सही उदाहरण बताया माता जी आपने। तो जो है तो उसको जो है उनको रास नृत्य एक अलग ही नृत्य है, जिसको तभी आप समझ सकते हैं जब भगवान को समझ सकते हैं। भगवान को समझेगा जब आप उस नृत्य में जाएंगे ना, तो आप अपने आप को उस रासलीला में पाएंगे। मैं आपको गारंटी कह रहा हूँ, आप अपने आप को उस रासलीला में पाने वाले हैं, उसमें आप भगवान के साथ नृत्य करने वाले हैं। ये मेरा लाइन सुन लीजिए, दसवें स्कंद में पहुंचेंगे तो आप इसको महसूस नहीं करेंगे तो मेरा नाम बदलिएगा, क्योंकि आप इसको महसूस करेंगे आप, क्योंकि आप उस रासलीला में पहुंचेंगे, आप उधर उस रासलीला को पूरा जो है एंजॉय करेंगे आप। और इसमें जो है अभी से लग रहा है बिल्कुल अभी आप वहां धाम में सीधे, आपको बता रहा हूँ भागवतम बहुत उत्तम ग्रंथ है, जो इसको आप इस समय ले रहे, क्योंकि भगवान ग्रंथावतार में आए थे, भागवतम में आए हैं। ये हमारे हाथ में जो ग्रंथ है ना, भगवान कृष्ण स्वयं। सब लोग एक एक सेट लीजिएगा। प्रभु जी वो जो निधिवन वृंदावन में जब हम उनको मतलब वहाँ पे जब हम जाके वो देखते हैं ना, तो जो तुलसी जितने भी वृक्ष है वहाँ पर, तुलसी के जो वृक्ष है जो रात में कहते हैं कि गोपियां बन जाती है, वो बहुत ही मतलब उनका जो आकार होता है ना, वो बिल्कुल ऐसे होता है कि गोपियां नृत्य नृत्य कर रही होंगी, और जैसे ही सूर्य उदय हो जाता है वो वैसे ही भी वृक्ष बन जाती है। बहुत ही मनमोहक लगता है देखने में। आप भी सोचिए, आपने आज जो देखा है माता जी, अभी आप जब भागवतम पढ़ने के बाद फिर से जाइएगा वृंदावन, आपको वृंदावन की गली में कृष्ण भागते हुए नजर नहीं आए तो आप मत देखिएगा। तब आपको नजर आएगा। हाँ बोलिए बेटा, बोलिए बोलिए। प्रभु जी उधर ना निधिवन में सारी जितनी भी गोपियां है वो सारे इंटरकनेक्टेड है, मतलब उनके सारे ब्रांचेस जो है वो आपस में मिल रहे हैं, बस एक वृक्ष है जो काला है और वो अलग से खड़ा हुआ है, बाकी सारे कनेक्टेड है। देखो एक वृक्ष है जो कृष्ण कलर का है वो अलग है, बाकी गोपियां उनके आसपास नृत्य कर रही है, तो ये वही है। क्या नाम से? त्रिभंग ललितम नियत प्रकाशम। तो देखिए क्या है, भगवान का रूप आराम से खड़े और सारी गोपियां भी उनके लिए ऐसे ऐसे ऐसे, वो कैसे कैसे उनका जो नृत्य करती हूँ रास्ते तो पूरा घूम जाती होंगी, है ना, कैसे कैसे नृत्य करते होंगे, सोचिए आनंद से अनुभूति लेकर के। तो वो एक परम आनंद की जगह है वृंदावन। हम सब जाएंगे कि जब कोरोना खत्म हो जाएगा, भागवत तक हमारी बहुत खत्म हो जाएगी, तब तक हम पहुंचेंगे और हम वृंदावन की हर गली में कृष्ण को दौड़ते हुए देखेंगे, और कुछ नजर नहीं आएगा। केवल हम लोग उस समय गोलोक उसी समय पहुंचेंगे जब कृष्ण होंगे, 5000 साल पहले पहुंच जाएंगे वहां पर, ठीक है। तो भी कहते हैं कि जो परम सत्य का जो है कहां पे है, वो वैकुंठ लोक सिदाकाश यानी वैकुंठ लोक है। तो हाँ क्या क्या माता जी? स्त्री भी दिख रही है भागवतम के, वीडियो सब की दिख रही है। हाँ माता जी, मैं स्क्रीन दिखा ले रहा हूँ सबको, वीडियो दिखा रहा हूँ माता जी, है ना। तो जो है अभी क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आप स्क्रीन देखें कहाँ कहाँ, मैं एक एक लाइन नहीं पढ़ रहा ना आपको, उसका सार सार बता रहा हूँ। तो जो है अब जो बद्ध जीव है कैसे अनेक योनियों में जो है, मैं स्टॉप कर दे रहा हूँ भैया, तो है ना, ताकि आप लोगों को जो है ऐसा दिखने लगे। तो जो है अनेक योनियों में जो है कैसे, जैसे ब्रह्मा इंद्र चंद्र इस तरह से देवताओं में, इन योनियों में लोग आते हैं, अनेक योनियों में लोग आते रहते हैं। तो ये भी हमने देखो देखा था पीछे। तो जो है अब ये बोलते हैं, जब प्रभा जी थोड़ा सा उदाहरण लेते हैं कि आजकल के जो इंजीनियर है वो जो है जिस चीज को बनाता है, जैसे मान लीजिए इंजीनियर ने कुछ भी बनाया तो उसको ये पता रहता है कि इसके अंदर क्या क्या डाला है मैंने, कहाँ पे प्रॉब्लम किसकी वजह से आ रही होगी। उसी तरह से भगवान जो है क्या करते हैं, बनाते हैं और उनको पता रहता है कि मेरे जीव में कौन सी चीज में, कौन से जीव में क्या चीजें हैं, उनको ये भी पता रहता है, यानी पूर्ण ज्ञान रहता है। तो पूर्ण ज्ञान से उनको पता रहता है कि किस व्यक्ति ने क्या किया, यानी अब हम जो कर रहे हैं वो नोटेड हो रहा है, दैट इज पॉइंट टू बी नोटेड मी लॉर्ड, वो नोटेड हो रहा है कहीं ना कहीं। आप इस कथा पे कुछ नोट करें ना करें, भगवान इस कथा की चीजें नोट कर रहे हैं, वो आपको हिसाब में बताएंगे। देखो उस समय तुमने कथा बैठ करके हमारे उस वक्त निधि वन की चर्चा करी थी, है ना, बहुत मुझे ब्लॉग्स बनने ब्लॉग्स बनने में लगे हुए वहां पर, उनका एक लॉग लिखा होगा, उन्होंने एक लॉगर लिख रखा होगा जिसे बाई डिफॉल्ट जिस कृष्ण नाम लिखा वो उस लॉगर में पैरामीटर पास हो जाता होगा और सीधे एंट्री शुरू हो जाती होगी उसमें,
ये कोई टेक्निकल लोगों को समझ जाएगा। तो जो है अभी क्या है इसमें भगवान ने क्या, अब आप सोचिए एक जो वैज्ञानिक है वो हाइड्रोजन लेता है, ऑक्सीजन लेता है और पानी बना देता है और इतना बनाने के लिए उसकी दाढ़ी निकल आती है। यानी हाइड्रोजन से ऑक्सीजन मिला के पानी बनाने में वो जवानी में जाता है, बुढ़ापे में वापस निकलता है। जो इस बात उसके बाद साइंटिस्ट बहुत खुश होते हैं कि हमने पानी बना दिया। वही बता रहा हूँ। बट क्वेश्चन ये बोले जी हाइड्रोजन कहाँ से आया और ऑक्सीजन कहाँ से आया। मैं बिल्कुल वही बताने वाला हूँ, अगला स्टेप रही था। अब उन्हें खुद दाढ़ी निकला थी और उसके बाद इतनी पार्टी करता है और बल्लो बल्लो मैंने पानी बना दिया पानी। अरे भाई तूने वो बना दिया जो भगवान ने भर के रखा है। भगवान जब आए कुछ नहीं था तो कारण सागर बना दिया, कुछ नहीं था तो उन्होंने पूरा 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 जो गर्भोदक सागर बना दिया, कुछ नहीं था तो क्षीर सागर बना दिया। पृथ्वी में देखिए 99% इतना पृथ्वी में जो समुद्र है खारा पानी 99.5% खारा पानी है, पानी पानी भरा पड़ा है भगवान ने। तो लोग सोचते बहुत पानी है लेकिन असली पानी केवल पूरे उसका 0.3% असली पानी है, सोचिए। तो जो है वो कहते हमने बना दिया, कह रहे हैं भाई हाइड्रोजन ऑक्सीजन। अब वही हो गया ना, अब हमने जो है क्या किया, जो है आशु प्रभु घर में लेके आए और ऋतु माता जी को कह दिया तो भाई आलू है, बैंगन है, मिर्ची है, टमाटर है, तो क्या ठीक है। अब लेके आशु प्रभु बढ़िया थक करके पसीने में कोरोना बेचारे भाग करके फिर आके नहाए को मेहनत करी और ऋतु माता ने क्या किया, काट के पका दिया, कह दिया सब्जी मैंने बनाई है, मैं नहीं बनाती तो खाते क्या। अगर हमारे लिए ऐसा होता तो फिर जो है तब तो आरजू प्रभु मैं गया पैसा खर्चा किया भाग करके वापस आया नहाया आज कोरोना पूरी मेहनत करी और लास्ट में मिला क्या है, ये बोल रहे हो कि मैंने कुछ नहीं किया है ना। इसका मतलब भगवान ही कहेंगे मैंने तुम्हें ऑक्सीजन दिया, हाइड्रोजन दिया, ये तो पूरा सेटअप बना के दिया, उसका लेकर तुमने पानी बना दिया, ये पानी मैंने भर के रखा है तो तुम इतने खुश हो गए तो मुझे कितना खुश होना चाहिए। और मैंने तुम्हें बना दिया जिसके पास ये बुद्धि है और तुम्हारी जो तुम अहंकार कर रहे हो ना कि मैंने बनाया, वो अहंकार भी मैंने तुम्हें दिया है बेटा, कहीं और तो नहीं है, वो अहंकार भी मैंने तुमको दे रखा है। यानी बनाने की बुद्धि और बुद्धि के बाद जब बन जाए उसका जो अहंकार पैदा हो रहा है वो अहंकार भी मैंने तुमको दिया है और तुम अपने आप पर इतना शान कर रहे हो। तो जो है इस तरह से करके बिंदु ये आता है कि ब्रह्मा जी स्वयं इस बात को मानते हैं कि वो जो है केवल करता है, वो केवल निमित्त है और जो है उनका कारण कोई और है करने वाला देने वाला। श्रुति मंत्र में भी भगवान को बोला गया है कि जो है भगवान कृष्ण जो है पूर्ण ब्रह्म है और वो समस्त वस्तुओं के उद्गम है। तो श्रुति में भी दिया गया है, तो श्रुति और स्मृति दो शास्त्र हैं आपको बता दें आपकी जानकारी के लिए, उनमें जो है ये सारा शास्त्रों में अलग अलग पुष्टि की गई है भगवान की। और इस तरह से करके जो है सारे दिया गया। और अब इसमें एक शब्द आता है अभिज्ञ, जिसमें अभिज्ञ तथा स्वराट। तो ब्रदर अब व्यक्ति सोचते हैं कि भगवान कृष्ण जो है नॉर्मल है जबकि वो क्या है अभिज्ञ है और स्वराट है, जो नॉर्मल जीव तो नहीं हो सकता है ना, क्योंकि जो है नॉर्मल जीव कैसे एक अभिज्ञ हो सकता है और स्वराट हो सकता है ना, कि जिसको जो है अभिज्ञ मतलब कि सब कुछ जानता है। यानी आप बताइए आपका शरीर आपके साथ पिछले 20, 25, 30, 45, 50, 60, 70 जितने भी आप उम्र के हैं उतने साल से है, अगर आपको ये पता चले आपके कंधे में यहाँ दर्द हो रहा है पीठ में, आपको कारण पता चलेगा क्या क्यों दर्द हो रहा है, है? नहीं पता चलेगा। आप कैसे बोल पाते हो, आवाज कहां से आ रही, वो आवाज ये पता चल रहा है क्या, नहीं पता चलेगा, क्योंकि हमें अपने बारे में नहीं पता तो हम अभिज्ञ कहां से हो गए, है ना। तो जो हम कैसे भिज्ञ हो गए, हम तो अभिज्ञ रह गए ना पूरे टाइम। यानी भगवान ने जो है क्या बोला कि जो देखिए भगवान किसी भी जीव को पूरी तरह से जानते हैं, यानी वो आपके अंदर कहाँ पे क्या चल रहा है वो भी वो जानते हैं, है ना, और वो पूर्ण स्वतंत्र है, है ना, स्वराट स्वतंत्र है। तो जो है अब अगर जो है वैसे जैसे आइंस्टाइन था, प्रभा जी ने उदाहरण दिया कि आइंस्टाइन जैसे महान वैज्ञानिक के विषय में क्या कहा जा सकता है, जो जो है जो जो भी कुछ सोचते हैं, तो उन्होंने क्या किया, उठाया केवल एक चीज कि हाँ ये पहले से जो बना हुआ है उस फिजिक्स क्या है, स्टडी ऑफ नेचर, और नेचर क्या है, भगवान कृष्ण की दासी है ना, यानी एक बहिरंगा शक्ति का एक हिस्सा वो प्रकृति है। अब उस प्रकृति को जो है आदमी उसी को पढ़ता रहता है, अपने आप को हीरो मानता रहता है, मैं बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन गया, खूब डींगे मारते है ना। तो ऐसे ही जो है
आप सोचिए कई लोग ऐसे हैं जो भगवान की सत्ता मानते ही नहीं, कहते अरे तुम्हारा भगवान कोई नहीं है, कृष्ण नहीं होते, भगवान नहीं होते, तुम पागल हो क्या। भगवान की सत्ता ना मानने के लिए हिरण्यकश्यपु था, रावण था, है ना, इतने बड़े बड़े नास्तिक लोग थे, उन्होंने क्या किया था, खूब भगवान की भक्ति करी, यानी जो है ब्रह्मा जी की खूब भक्ति करी, खूब भक्ति करी, ताकि वो ताकि भगवान की सत्ता का विरोध कर सके। तो सोचिए उसके बाद ही भगवान ने क्या किया, उनको ऐसी, मैं आज सुन रहा था जो है कि नरसिंह भगवान के बारे में थोड़ा सा सुन रहा था, आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रहलाद महाराज नरसिंह भगवान के बारे में, आगे के स्कंदों में मिलेंगे, कि नरसिंह भगवान ने कैसे चीरा फाड़ा था उसको, नाखूनों से चीरा था उसका, ऐसे ऐसे पूरा चीर दिया था, पूरा ऐसा जब चीरा था ना तो उसका खून पेट से धड़ से बाहर आया था और जैसे फवारा निकल गया था उसके पेट से, और पूरा फवारा निकल के उनके पूरे शरीर में आ गया था, चेहरे में आ गया था, और फिर उन्होंने और चीरा ऐसे चीर के उसके नंदर के अंतड़ियां निकाल करके देखा, और तो कोई माला पहना नहीं रहा मुझे, वही अपनी माला पहन ली, अंतड़ियों की माला पहन ली, ऐसी ऐसी निर्मम हत्या। अगर आज किसी कोई ऐसा चीड़ फाड़ कर शेर खाए ना किसी को, तो कह शेर ने बड़ी निर्मम हत्या कर दी। तो ऐसी हत्याएं हो जाती है उनकी जो भगवान की सत्ता को नहीं मानते, जबकि वो तो बड़े बहुत बड़े बड़े भक्त हैं, वो तो बहुत बड़े वाले जो है मतलब भक्त क्या, वो बहुत बड़े भगवान ब्रह्मा जी को तप किए हैं। तो आजकल के जो ये जो विमूढ़ लोग यहाँ घूम रहे हैं, भगवान की सत्ता को नहीं मानते, भगवान उनके साथ क्या करने वाले हैं, इसका आइडिया सोचिए। तो जो है और लोग कहते हैं हम बहुत बड़े साइंटिस्ट बन गए, लेकिन इधर प्रभा जी ने दिया है उदाहरण कि भगवान ने ऐसी एक नर मशीन बनाई है और एक मादा मशीन बनाई है। हम लोग मशीने तो हैं जो स्वचलती है, स्वचालित मशीने, खाना खाते दौड़ते भागते हैं, जिम करते हैं तो अपने वजह से शरीर सेट हो जाता है। सोचिए ऐसी मशीन, वाह कि हमने थोड़ा जिम किया तो बॉडी सेट हो गई, नहीं किया खाए पी धम्मे से बैठे तो बॉडी फैट बढ़ गया। कैसी बॉडी है, कितनी फ्लेक्सिबल बॉडी है सोचिए, है ना, हम अपने हाथ से लेकर के उंगली से लेकर जहां जाए जैसी मर्जी हाथ घुमा सकते हैं, और ये नर और मादा मिलकर ना जाने कितने नर और मादा पैदा कर सकते हैं। लेकिन जो साइंटिस्ट है वो एक नर या एक मादा नहीं पाया ऐसा बना सकते जो मिल करके और आगे जन्म दे सके, और लेकिन अपने आप को क्या करते, भगवान के तुल्य मानते हैं, लेकिन वो नहीं मानते, वो समझते नहीं है कि ईश्वर की तरह कोई व्यक्ति सृजन नहीं कर सकता। ईश्वर का नाम इसी लिखा है असमौर्ध्वा, असमौर्ध्वा भगवान का दूसरा नाम है असमौर्ध्वा, जी क्यों असमौर्ध्वा का मतलब होता है, मौर्ध्वा मतलब क्या होता है कि कोई व्यक्ति भगवान जैसा सृजन नहीं कर सकता, उनके जैसा सृजन करने की क्षमता किसी नहीं है, ठीक है। तो जो है ये होते हैं असमौर्ध्वा। तो आप क्या बोले, कहते हैं इसी लोग परम सत्य हैं, अभी हम लोग पहले श्लोक में हैं, ठीक है, बस खत्म होने वाला पहला श्लोक। तो आप कहते हैं जो व्यक्ति भगवान कृष्ण के शरण को पकड़ लेता है, उनको सब कुछ मान लेता है, तो भगवान ने खुद बोला है भगवद गीता में कि वो महात्मा बन जाता है, वो महात्मा बन जाता है। और कई लोग ऐसे हैं महान लोग, आप बात करेंगे जैसे हमारे कई रिश्तेदार हैं, मामा जी के लोग ऐसे कुछ रिश्तेदार हैं, वो बोलते हैं ये चीज को कि जो भागवतम है ना वो अभी कलयुग में लिखी गई है कुछ सालों पहले, और वो उपदेव नाम का एक व्यक्ति ने लिखी है, वो उपदेव व्यास देव का नाम बदल करके वो उपदेव कर दिया, वो उपदेव नाम के एक आदमी ने लिखी है ना। तो श्रीधर गोस्वामी इनके पास है, श्रीधर स्वामी आने के लिए फिर उन्होंने बोला कि भागवतों का उन्होंने रेफरेंस दिया, डायरेक्टली नहीं लड़ाई करी कि तुम पागल हो बेवकूफ हो ऐसा नहीं बोला, उन्होंने रेफरेंस दिया कि भागवतम के पुराने पुराने श्लोकों में भी ग्रंथों में भी भागवतम जो श्लोक गायत्री मंत्र बोला गया कि गायत्री मंत्र एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें गायत्री मंत्र से शुरुआत है, उसमें बताया गया है कि बहुत सी कथाएं जो भागवतम में लिखी है, जैसे वृतासुर की कथा, कि वृतासुर की कथा भागवतम में लिखी गई है, और जो कोई पूर्णमासी में इस दिन के दिन इस महान ग्रंथ का दान करता है उसका जीवन सर्वोच्च सिद्धि को प्राप्त करता है, वो सर्वोच्च सिद्धि को प्राप्त करता है और वह भगवान के धाम वापस जाता है। तो सोचिए केवल दान मात्र से, तो क्या दान करता है, ये ग्रंथ का ज्ञान और ग्रंथ, है ना। तो अब एक ग्रंथ की कीमत है 6,000 रुपए, उसको दान करना हमारे बस का तो नहीं है, इससे अच्छा है कि लोगों को इसका ज्ञान दान कर दीजिए, है ना, ज्ञान दान कर सकते हैं, ज्ञान दान करिए, यानी आप सीखिए और लोगों को सिखाइए, इससे बड़ा दान कोई दान नहीं है। तो आप भगवान के गोलोक वापस जा सकते हैं। तो सुनने वाला और सुनाने वाला इस ग्रंथ को आगे लिखा है,
कि जो है जो इस तो सेकंड श्लोक के अंत में एक लाइन लिखी है, मैं वो सुना बता देता हूं आपको, कि जो जो है इस संदेश को ग्रहण करने के लिए केवल सहमत हो जाए, यानी आप लोग सहमत हो गए ना कि हम इसके 18 श्लोक पढ़ेंगे, है ना, तो अगर केवल सहमत हो जाता है, कहते हैं होने मात्र से वो मानव परम हंस पद को प्राप्त कर लेता है। केवल सहमत हो गया, आई वॉन्ट टू हियर, केवल सुनने के लिए मैं मुझे मन कर गया और मैंने कह दिया हाँ मैं सुनूंगा, इतनी सहमति आपने दे दी, तो आप सब परमहंस हो गए, अब कोई छोटा नहीं बचा है, सब परमहंस हो गए। तो मैंने चूंकि आज दूसरा श्लोक का नहीं हो पा रहा है, मैं दूसरे श्लोक के लास्ट लाइन को पहले बता दी। तो ऐसे करके जो है ये बताया गया है कि यह मनुष्य को भौतिक, अब ये इसका पाठ जो है भागवतम का जो पाठ है वो मनुष्य को भौतिक कार्यों के तीन प्रकार यानी सकाम कर्म, काल्पनिक दर्शन और कार्य करने देवताओं की पूजा से ऊपर उठाने में सक्षम आएगा। यानी क्या क्या बोला गया है, सकाम कर्म करने से, काल्पनिक दर्शन करने से, भगवान कैसे होंगे, भगवान ऐसे होंगे, भगवान ऐसे होंगे, ये काल्पनिक जो दर्शन है उससे, प्लस कहते हैं कार्यकारी देवताओं की पूजा करने, यानी कार्यकारी देवता कौन है, गणेश जी, लक्ष्मी जी, इंद्र जी, सूर्य जी, है ना, ये जो जितने देवतागण है, कहते हैं इनकी पूजा करने से थोड़ा ऊपर उठा देगा, कि नहीं तुम्हें किसकी पूजा करनी है वो बता देगा। तो जो है इन श्लोकों में उसका विधान है। तो जो है इस तरह से हमारा पहला श्लोक हमने आज 18,000 श्लोक में खत्म किया, तो अपने पास 17,999 श्लोक बचे हैं केवल। तो अपने पास केवल 17,999 श्लोक बचे हैं, आज हमने एक श्लोक पूरा कर चुके हैं। बस बस पूरा एक श्लोक खत्म किया, अब केवल 17,999 बचे हैं। तो हर एक बड़ी सफलता, हर एक बड़ी सफलता के पीछे जो है एक छोटा कदम होता है, तो पहला कदम है हमारा ये, तो इससे शुरुआत है, पहला कदम बढ़ाएंगे तभी तो लक्ष्य मिलेगा। तो आज हमने पहला कदम बढ़ाया है, कल दूसरा कदम बढ़ाएंगे, फिर धीरे धीरे आगे श्लोकों में कुछ कम कम डिस्क्रिप्शन है, लेकिन हम इसको पान करेंगे, जल्दबाजी कोई नहीं है, है ना, आराम से पिएंगे ताकि आपका होमवर्क भी कम रहेगा। अभी केवल एक श्लोक में जो तथ्य लिखे आएगा वो लिख करके केवल आपको डालना है, चाहे इसको ग्राफ फॉर्म डाल दीजिए, ग्राफ की तरह कि श्रुति शास्त्र जो मैंने शास्त्र नाम लिए थे, इन शास्त्र में, उन शास्त्रों में, ये उनमें भगवान को बोला गया, ऐसे करके डाल दीजिए, सर्कल बना दीजिए, मतलब आपकी चॉइस है, कितना क्रिएटिव आप बनते हो आपकी चॉइस है, लिख कर दीजिए, बना के करिए, जैसा मर्जी है वैसा करिए, लेकिन आपको अब आज इस पहले श्लोक के बारे में थोड़ा लिख करके डालना है अपने नाम के ऊपर, ठीक है। तो अब जो जो श्लोक डाल देंगे हम मानेंगे उन्होंने जो है इसका इस कथा को ध्यान से सुना था तभी वो डाल पाए, ठीक है। तो मेरी सबसे उम्मीद है सबको एक्सेस है, जिसको एक्सेस नहीं मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, मुझे पूछ सकते हैं, मैं सबको बता दूंगा, ठीक है। हाँ बोलिए, आप ज्योति माता कोई बोली, हाँ बेंगलोर वाली माता जी, हाँ बोलिए माता जी। हाँ, वसुदेव के पुत्र श्री कृष्ण, इसका थोड़ा स्मरण कर दीजिए ना, क्यों हाँ, बोला है ऐसा? हाँ, क्योंकि देवकी, वो क्योंकि वसुदेव देवकी पुत्र ही है, वो तो वसुदेव देवकी यहाँ के नहीं माता जी, वो गोलोक में भी है, यानी गोलोक से उसी देव, और पूरा पूरा फैमिली स्ट्रक्चर लेके नीचे आए थे वो, फैमिली, दोस्त यार, रिश्तेदार, गोपियां, कोई यहाँ की आध्यात्मिक, वो कोई भौतिक थी नहीं उनमें से, भगवान के प्रेजेंस में जितने लोग थे लीला करने के लिए आए थे वो सब साथ में आए थे, देवकी वसुदेव सब आए थे साथ में, ये माने चलिए। तो पहले वो आए फिर वो आए, लेकिन सब पता था ये स्ट्रक्चर बना है, तो भगवान ने पूरी फैमिली ट्री भेजी थी वहां पर कि पहले तुम लोग जाओ फिर हम आएंगे, इस टाइम पे हम ऐसे आएंगे, हम आपके कोख से आएंगे। तो आज गोलोक में आज भी देवकी और वसुदेव के जो है सनातन पुत्र है वो, यानी देवकी वसुदेव, आप कहेंगे वो तो आज प्रारंभ के ही प्रारंभ है, हाँ प्रारंभ के प्रारंभ बिल्कुल सही बात है, लेकिन जो देवकी वसुदेव है ना, उनको उन्होंने जो है बहुत पैसा करी थी, उसके बारे में कथा सुनाएंगे, कि उनको पुत्र के रूप में देखना चाहते थे कि मेरे कोख से आप जन्म ले। तो भगवान ने क्या किया, उनको पूरे जो है वो उनके उनको सदा के लिए अपना माता पिता घोषित कर दिया, ऐसा है। तो ऐसा नहीं कि जो है वो मतलब पहले वो थी तब वो आए, नहीं, पर माता उन्होंने उनको माता पिता घोषित किया है ना माता हरी बोल। हाँ, तो जो है माता उनको जो है क्या हुआ, माता पिता घोषित कर दिया, उसके बाद उनको अपने गोलोक को अपने साथ रख लिया और कह दिया ये मेरे माता पिता है, इसलिए उनको वसुदेव देवकी पुत्र बोला गया, ठीक है। और कोई प्रश्न? तो आप देखिए जैसे ये प्रश्न पूछा गया, तो आप इस प्रश्न को
जो है हम इधर जाएंगे। प्रभु जी हाँ बोलिए प्रभु जी बोलिए बोलिए प्रभु जी यशोदा और नंदन जी गोलोक में है। यशोदा हाँ सब 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 गोलोक में सब गोलोक में हाँ 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 ये सब गोलोक में आप पढ़ेंगे हम लोग इसमें सब गोलोक वासी है सब गोलोक में कोई नीचे नहीं रहे है ना प्रभु जी। हाँ प्रभु जी हाँ बोलिए बोलिए माता जी बोलिए। प्रभु जी जब हम लोग एक सत्संग करते हैं सुनते हैं ना तो बहुत है बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। मैं उससे पूरी लेकिन कभी कभी मेरा मन नहीं आता कि मैं इससे इतने दूर कैसे रहे। भगवान ने मुझे बहुत लेट क्यों करा एक घंटे में एक चीज आ जाती है कि बहुत पहले मिला होता तो कितना अच्छा होता मुझे। जब जागो तब सवेरा माता जी आज इसे जो आपको आनंद मिल रहा है ना ये परम आनंद आपको मिलता रहेगा है ना। प्रभु जी कोई हमसे पूछे कि कृष्ण के लाइक कोई मदर फादर है तो हम लोग वासुदेव देवकी जी बोलते हैं। वैसे नॉर्मली बोला जाता है कि लाइक उनके कोई मदर फादर नहीं है ही इज ओनली दैट। हाँ उन्होंने जिसको अपना माता पिता घोषित कर दिया वो उनके माता पिता हो गए है ना। वैसे तो प्रारंभ आदि पुरुष है वो तो ये बोलना है कि वो उनको उन्होंने जो कि तपस्या से प्राप्ति किया और उन्होंने ऐसा घोषित किया कि वो कभी सोचे जिनके कोख से स्वयं भगवान आ गए हो है ना वो क्या कभी धरती में वापस जन्म लेंगे क्या वो नहीं लेंगे। गोलोकवासी हो गए वो अब गोलोक में भगवान उनको अपने माँ बाप की तरह सेवा करते हैं। एक्सीलेंट बहुत उत्तम तो जो है बहुत आनंद आया। अभी जो है हम लोग फिर मिलते हैं। अभी कोई प्रश्न है किसी का जो मानव जीवन है सबसे बेहतर जीवन हम लोग भी ये बोल की चौरासी यानियों में देवता गण भी आते हैं तो देवता गण से मानव गण कैसे मतलब ये है क्योंकि हम लोग भक्ति करते हैं इसलिए। बहुत उत्तम प्रश्न प्रभु जी बहुत उत्तम प्रश्न है आपने बहुत गंभीरता से इसको सुना इसलिए प्रश्न आपके दिमाग में आया। देखिए प्रभु आज जो है का जो जो देव जानते हैं मैं बोलता हूँ प्रश्न रिपीट करता हूँ। उन्होंने पूछा है कि आपने बोला 84 लाख योनियों में सबसे उत्तम योनि किसकी है जो है मानव जीवन की योनि सबसे उत्तम है लेकिन आप कह रहे हैं 84 लाख में देवी देवता भी आते हैं ब्रह्मा जी भी आते हैं चीप पतंगे भी आते हैं तो देवी देवता से हम कैसे उत्तम हो गए है ना प्रश्न ये है। तो अब प्रश्न इतना अच्छा है आपका ये कि मैं इसको जरूर अच्छे से आंसर करना चाहूंगा कि देखिए इसमें क्या होता है इसमें जब हम ये बोलते हैं कि देवी देवताओं से उत्तम मानव कैसे तो मैं आपको उदाहरण बताता हूँ। ब्रह्मा जी क्या चाहते थे पता है कि क्या चाहते हैं ब्रज के में एक पेड़ बनकर के आना चाहते हैं कहते मैं इतना उतना वो नहीं हूं गुणी कि मुझे मानव जन्म मिल जाए मुझे वृक्ष ही बना दीजिए वृक्ष में ब्रज में। देवी देवता कहते हैं यहां मुझे करोड़ों करोड़ों साल तक जो आप मुझे लाखों लाखों साल तक इतना आनंद दे रहे ना मुझे क्षण मात्र के लिए मानव बना दीजिए धरती में भारत देश में धरती मतलब अमेरिका में नहीं कहते मुझे भारत भूमि में जहां पे आप आए थे वहां मुझे क्षण मात्र के लिए भेज दीजिए बस मुझे लाखों साल का ऐश्वर्य नहीं चाहिए स्वर्ग। क्यों क्योंकि यहां से ही आप गोलोक की प्राप्ति कर सकते हैं वहां से नहीं कर सकते प्राप्ति यही जमीन में आकर के पृथ्वी लोक में आकर के भारत भूमि में आकर के आप भगवान की भले भारत भूमि के अंदर पृथ्वी लोक में आकर के अब तो जो ना पूरा प्रभाजी तो हर जगह फैला दिया कोई कहीं से भी जा सकता है लेकिन भारत भूमि में वो भी ब्रज में अगर आपने अपने व्यक्ति अपने भगवान का नाम लेते लेते अगर अपने अंतिम सांस छोड़ता तो सीधे गोलोक जाता है उसको जो है कहीं नहीं आना पड़ता इसलिए लोग आना चाहते हैं प्रभु क्योंकि जो भगवान के भक्त है ना वो वहीं आना चाहेगा जहां से भगवान के जाने का रास्ता हो लेकिन हम जैसे जो नीच लोग हैं हम यहाँ पे आते हैं और इस शरीर का इस्तेमाल केवल अपने इंद्रिय भोगों के लिए करते रहते हैं बस इंद्रिय भोग में लिप्त रहना ही मेरा सबसे प्रमुख काम है। सेकंड श्लोक में आप बहुत सुनेंगे इसके बारे में इंद्रिय भोग में मैं लगा रहता हूं और मुझे लगता है कि मैं बस यही मेरा जीवन का तत्व तो है यही है सब मेन तो बस यही प्रभु इसीलिए लोग आना चाहते हैं मानव जीवन होना चाहते हैं। और कोई प्रश्न है किसी का प्रश्न नहीं प्रभु बस वही मैं बोलना चाह रहा हूँ श्रीमद भागवतम
दान नहीं कर सकते, दान तो मतलब कर भी देंगे कि जिसको देंगे वो पढ़ेगा ही नहीं, तो इसलिए ये है कि पहले उसको उस लेवल तक लेके आना पड़ेगा, तब किसी को ये देनी चाहिए श्रीमद भागवतम, बिल्कुल सही, ताकि वो पढ़ सके। बिल्कुल सही प्रभु, और बहुत आप तो आपका सॉफ्ट कॉपी है किसी को देना, सॉफ्ट कॉपी दान कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो है ताकि वो साइड साइड में पढ़ ले तो पढ़ ले, लेकिन जो है जो, लेकिन मैं आप सबसे बोलूंगा जितने लोग हैं ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट, ठीक है, देख पता नहीं, अरे ये तो बिल्कुल विजुअल हो जा रही है, ये तो मैजिक हो रहा है, मैं दिखा रहा हूँ तो इनविजुअल हो जा रही होगी, है ना, तो जो है क्या है ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, एक बार जीवन में खर्च करना है, पूरे जीवन क्या दो तीन पीढ़ियां चलती रहती है, एक बार आदमी खरीदता है आगे कई पीढ़ी पढ़ते रहते हैं, इसका पूरा सेट आपके पास बुक में होना चाहिए, सॉफ्ट कॉपी के भरोसे मत रहिएगा। कल अजय प्रभु जी के जैसे ही पता चला कि भागवतम शुरू होने वाली है, कॉल कथा के तुरंत बाद प्रभु आपका एक सेट रखा था ना जो आप मेरे लिए लेके आए थे, मैंने कहा प्रभु आप ही लेके आया था, मैं तो लेके आ गया था, जिसको चाहिए ले लेते, प्रभु आप मेरे लिए लेके आए थे, मैं लेने आ रहा हूँ, और पेमेंट दी, मैंने 11 बजे कथा खत्म करी, 11:10 में प्रभु जी आ गए, और 11:20 में इनको फोन किया, प्रभु जी कहाँ है, कहते आप क्या थे, माता जी को फोन करके ले भी गया, मैंने कहा अजय अजय प्रभु की जय हो। तो है ना, तो हमारे बड़े मतलब ये होते उत्साही है क्या माता जी, अभी नहीं, अभी मैं मंदिर में जो है फोन कर दिया है मैंने, तो जैसे हमारा जाना होगा ना, हम सबके लिए जो लोग, मैं सभी के लिए ले ही आ जाऊंगा, सबके लिए लेके आ जाऊंगा, है ना, तो जो है आप लोग लेके तो जो है बस देखिए वन टाइम इन्वेस्टमेंट, ये 5,500 से 6,000 के खर्च, 5,500 से 6,000 के बीच में आता है, ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है जो मैंने करा था 3 साल पहले, मेरे पास तो सारी किताबें हैं, चेतन चरता मत भी ले रखा है महंगी बुक, तो उसकी चिंता नहीं है, एक बार लेकर के बस खर्चा कर दीजिए। चलिए प्रभु जी, थोड़ी सी और रसामृत है या दूसरी और बुक्स हैं, पीपीटी की बुक्स, अगर ठीक है आपके लिए, फिर जो हम अलग अलग हम आपको फोन कर लेंगे सबको कि ये बुक्स मिल रही है, है ना, आप लोग बोलेंगे तो सबके लिए मंगा देंगे, बुक तो सबके पास होनी चाहिए, ये अपने जाने का रास्ता है। बोले बोले माता जी, कुछ कोई बोल रही गायत्री, हाँ ठीक है, ब्रह्म संहिता सबके लिए मंगवा देंगे, एक एक ब्रह्म संहिता सबके लिए मंगवा देंगे, है ना। ये वाली भागवतम की बुक और वो बुक सेम है क्या, अंतर है दोनों में? माता जी जो वो बुक है वो एक ही बुक में सारी भागवतम है, इसके 18 सेट है, ऐसे ऐसे ढेरों बुक्स है, है ना, तो जो है ऐसी बुक, ये मोटी मोटी बुक है ना, ये जो है अंतर है माता जी, ये ले लेना चाहिए आपको, है ना, ठीक है। चलिए बहुत उत्तम, तो मैं सबको बता दूंगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद फिर कल के दिन नए श्लोका के साथ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।